आप इस कार में हो सर? हाँ तो इधर हो आइए। देखो आरडीएम कार्ड ले पाए हैं, क्या समस्या लेकर आ पाए हैं? लेडीज वाले समस्या लेकर तो यही आएगी वहाँ कभी यहाँ उसके पर गलत तरीके से अभी पूर्व करा काम। अब एक मिनट चलो इनकी करो सारे आ जाओ सारे कितने यूनिट के बदले कितने मिलता है? चार यूनिट के बदले दो मिलता है बता रहे हैं। चार यूनिट होती हैं तो तीन मिलती हैं, तीन होती हैं तो एक मिलती है। कौन देता है? कौन जो पहले था जिसका हमने उपचुन खाया था, क्या नाम था? कृष्णा देवी कोटेदार थे मुजाहिदपुर की। उन्होंने इतना कुछ करने के बावजूद भी फिर सरकार को ऐसा उसमें क्या दिखाई दिया कि कोटा वापस उसी को दे दिया? दोनों पक्षों की पहले दोनों पक्षों से बात करते, दोनों पक्षों की गांव में जाके कार्रवाई करें। ये मतलब ये कौन सा शासन है कि बीच में ही कोटा हटा दिया गया उनका? नहीं पंचायत हुई होगी गाँव में, कुछ पता ही नहीं लगा, केवल उन पे तो हो गया। चुनाव में सुनीता देवी को चुना गया था, चुनाव में सुनीता देवी ही जीतती थी। सारा गांव सहमत है इस चीज से। आप गांव में जाकर सर्वे करें, गांव में जाकर ये देखें कि सुविधा सुनीता के पास है या सुविधा कृष्णा के पास है। और जाके सभी औरतों से, बाकी औरतें हमारे साथ हैं, किसी से भी आप पूछ सकते हो। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कोटा सुनीता देवी पर रहे, ठीक है? बस हम कोटे की हमारी यही अपील है जी। बताइए क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज कुमार जी कौन से गांव से आए आप? मुजाहिदपुर से जी। क्या मामला आज डीएम कचहरी आए? डीएम कचहरी ऐसे है जी, हमारी 16 महीने पहले दुकान हुई थी जी। किस चीज की दुकान हुई थी? राशन की जी। अच्छा। और गांव समाज ने हमें प्रस्ताव किया और तहसील से भी अधिकारी गए तो उन्होंने हमारा प्रस्ताव किया और 16 महीने के बाद में उसने वहाँ पे अपील करी और एडिशन किसने डाली अपील? कृष्णा देवी ने। अच्छा, कृष्णा देवी पहले कोटेदार थी? पहले कोटेदार थी। और एडिशन कमिश्नर ने वहाँ पैसे उसे ले ला गए, उसके प्रति अपील कर इस मामले में। अच्छा अच्छा, आज मिले डीएम साहब से? हाई कोर्ट जाना चाहते हैं हम उसके खिलाफ। अच्छा अच्छा, तो ये आप सब गांव वाले एक साथ इकट्ठे? सब मेरे साथ हैं। अच्छा, तो राशन बांटते थे आप पहले? जी पहले राशन बांटते थे, अब भी बांट रहा जी फिलहाल। अच्छा, फिलहाल बांट रहे हैं। तो अब क्या समस्या है? समस्या ये जी, उसको न्याय मिलना चाहो हमारे। समस्या यह है कि सच्चाई पर पर्दा घेरा जा रहा है, उसे उखाड़ना है। सच्चाई पर पर्दा घेरा जा रहा है, उसे उखाड़ना जी। हाट तो खड़ी कर रहे हैं। हाँ बताओ जी क्या मामला? आज ये सब जो है गांव मुजाहिदपुर से ब्लॉक खटोली तहसील खटोली से आए हैं जी। उचित दर विक्रेता के संबंध में इनके यहाँ से नई दुकान का प्रस्ताव 16 महीने पहले हुआ। पहली दुकान की शिकायत की गई, दोषी पाए जाने पर दुकान खत्म कर दी गई थी। उसने वहाँ पर जाकर अपील करी और अपील में उनसे साझ गांठ करके और आदेश अपने पक्ष में कराया, यानी सरकार वो कृष्णा बनाम सरकार के वहाँ से वो मुकदमा था। हम सरकार के पक्ष में हाईकोर्ट जाना चाहते हैं जिससे सच्चाई सामने आए और भ्रष्टाचारियों का चेहरा बेनकाब हो। चौथरा पे सुख वहाँ पे कर देंगे सड़क पे। कौन से गांव से आया मजी आप? मुजाहिदपुर से। आप राशन विक्रेता के साथ में आए? हाँ, राशन विक्रेता के साथ में। अच्छा, ऐसा था कि ये जो पहला कृष्णा देवी थी ये 20-25 साल से कोटा बांटी थी और गांव की शिकायत से प्रशासन ने इन सुनीता देवी को दी गई दुकान और उसने पैसा दे के जो है कमिश्नर को हमारा जो है खिलाफ वो करवा दिया। अब कोटेदार कौन है फिलहाल? कोटेदार है सुनीता। अच्छा हाँ जी, कृष्णा देवी ने जो है।